हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आज प्रेजेंट हुए हैं। जैसा कि आप लोगों से पहले वादा भी किया था हमने कि अगर किसी को एवियन हो गया है या जॉइंट पेन है या किसी को स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, क्या खान पान में परहेज करना चाहिए, क्या चलने फिरने में परहेज करना चाहिए। तो इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को और इसी इंपॉर्टेंट बात को आज आपको समझाने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एवियन में जो मेजरली तीन फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं आपके पेन को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। सबसे पहला तो एनवायरमेंटल फैक्टर है, मतलब मौसम बिगड़ गया है, ख़राब हो गया है, कभी बादल हैं कभी बरसात हो रही है। नंबर दो डाइट रिलेटेड फैक्टर, जैसे कि खान पान में जो परहेज वाली बात मैं आपसे आज करने वाला हूँ उसमें। और नंबर थ्री मेडिसिन रिलेटेड फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स तो ऐसे हैं जैसे कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर है इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये तो भगवान की तरफ से है। कभी मान लीजिए बादल हो गए हैं, कभी बारिश हो रही है काफ़ी, तो ऐसी परिस्थिति में तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें पेन बढ़ने की संभावना रहती है। बट डाइट रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं एंड मेडिसिन रिलेटेड फैक्टर्स को हम लोग कवर कर सकते हैं। एवियन के केस में खासतौर से या जॉइंट रिलेटेड पेन में खासतौर से मेडिसिन को ज़्यादा लंबे समय तक चलना है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन को भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला सकते, तो अब कोशिश ये करते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन पे आएँ जिससे कि उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। अच्छा, उसमें भी हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम मेडिसिन खानी पड़े, ज़्यादा मेडिसिन ना खानी पड़े क्योंकि उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन इसका एक बहुत अच्छा विकल्प है। उसकी भी अगर हम कम रिक्वायरमेंट चाहते हैं या कम खाना चाहते हैं, नंबर ऑफ मेडिसिन बहुत ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए आपको अपनी डाइट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा। डाइट को कंट्रोल मतलब जो भी उसमें परहेज वाले पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए एवियन है या जॉइंट पेन है तो क्यों एवियन के मामले में डाइट का रेस्ट्रिक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एवियन और आर्थराइटिस ये दो चीज़ें हैं। एवियन में जो है एवियन एक तरह से आर्थराइटिस से ज़्यादा गंभीर समस्या है। आर्थराइटिस में क्या होता है कि केवल उसकी बोन की सरफेस खराब हो गया है, उसमें ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं, उसके चारों तरफ सूजन आ गई है, एडिमा हो गया है, तो उन सब चीज़ों को कवर किया जा सकता है। बट एवियन में क्या होता है कि एवस्कुलर नेक्रोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है तो नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, और नेक्रोसिस स्टार्ट होती है तो उसका एक पोर्शन बोन का डैमेज होके निकल सकता है, प्लस जो निकल गया है पोर्शन उसके नीचे का जो पोर्शन है बोन का वो भी डैमेज होने के लिए तैयार बैठा है, वो भी निकलने के लिए एकदम तैयार बैठा है। तो इसमें सावधानियां तो बहुत ही ज़रूरी है, और खान पान की सावधानी प्लस चलने फिरने की सावधानी, उठने बैठने की सावधानी, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करते हैं डाइट से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं अपनी डाइट से। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि खट्टी चीज़ें, बादी चीज़ें और ठंडी चीज़ें, इन चीज़ों का खास तौर से परहेज करना है। तो खट्टी चीज़ों में जैसे आपका टमाटर है, टमाटर तो पहले नंबर बिल्कुल भी नहीं खाना है। टमाटर की चटनी है, टमाटर का सलाद है, ये सारी चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके बाद आपका इमली है, इमली की चटनी है, या जो सब्जियों में भी कुछ लोग इमली डाल देते हैं वो बिल्कुल नहीं खाना है। और आपका आमचूर पाउडर है, खटाई है, अचार है, और इवन नींबू भी है, वो भी नहीं खाना है। नींबू में हालांकि विटामिन सी होता है बट इसकी तासीर जो है आपके जॉइंट पेन में दिक्कत करती है। तो खट्टी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। नंबर टू बादी चीज़ें। बादी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, जैसे कि सब्जियों में खास जैसे बैंगन, भिंडी, कटहल, इन सब चीज़ों को तो बिल्कुल परहेज कर देना, ठीक है। इसके बाद जैसे दूध में भी आपको भैंस का दूध नहीं लेना क्योंकि भैंस का दूध थोड़ा सा बादी होता है, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं ठंडी चीज़ों की। ठंडी चीज़ें जैसे जो फ्रिज के प्रोडक्ट हैं, जो फ्रिज में रखे हुए हैं काफ़ी समय से, जैसे और आपका जैसे कोल्ड ड्रिंक है, सोडा वाटर है, और फ्रिज में रखा हुआ दही है, मट्ठा है, लस्सी है, और ये सारी चीज़ों को नहीं लेना है क्योंकि ठंडी चीज़ों की तासीर जो होती है जो आपके जॉइंट पेन की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां या कैसे उसे वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं जिन पे कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा आप जो खा सकते हैं, आप पालक खा सकते हैं, पत्ता गोभी खा सकते हैं, आप ब्रोकली खा सकते हैं, आप चुकंदर के पत्ते का साग ले सकते हैं, आप मूली के पत्ते का साग ले सकते हैं। इन सब में कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है।
पालक एक्चुअली थोड़ा सा दिक्कत उसमें ये होती है कि उसमें ऑक्सलेट होते हैं, और वो ऑक्सलेट क्या होता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत करते हैं, प्लस थोड़ी सी उसकी तासीर भी ठंडी होती है, इसलिए पालक को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, बाकी सब चीज़ें खा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये रही साग की बात। अब आते हैं दालों में। दालों में आपको नंबर वन पे मैंने पिछली बार भी बताया था, उड़द की दाल बिल्कुल नहीं खानी है, चना नहीं खाना है, मटर नहीं खाना है, मसूर नहीं खाना है। ठीक है, तो ये दालों का खासतौर से इसमें परहेज करना है। तो इसके अलावा ठंडी जगहों का भी परहेज करना है, मतलब घर में ज़्यादा एसी में नहीं रहना है, ज़्यादा कूलर में नहीं रहना है, या ज़्यादा हवा वाली जगह में नहीं रहना है, जिसको जितना ज़्यादा डैमेज है, जिसको जितना ज़्यादा ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड का अगर हो गया है तो उसको तो कूलर में या पंखे में भी नहीं रहना है। हालांकि सेकेंड थर्ड ग्रेड वालों को जो है एसी अवॉइड करना है। गर्म जगह में जितना रहेंगे उतना बेटर रहेगा, और गर्म पानी पियेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा अल्कोहल है। अल्कोहल को बिल्कुल भी नहीं लेना है। अल्कोहल से एक तो आपका जो है यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है, प्लस आपका लीवर और किडनी के लिए टॉक्सिक है, प्लस जो है ये बॉडी से किसी भी तरह के टॉक्सिक मटेरियल्स को निकलने नहीं देता है। तो अल्कोहल के बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट है, अल्कोहल को हटा दीजिए। इसके अलावा किसी और भी तरह का व्यसन हो या बुरी आदतें हो या जिसको कहते हैं एडिक्शन, अगर वो हो तो वो लोग एवियन के ट्रीटमेंट में उनको बड़ी दिक्कत होती है। खासतौर से जो लोग जैसे मसाला गुटखा खाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो भांग है, चरस, गांजा जो लोग लेते हैं, इस तरह के पेशेंट बिल्कुल भी वो हमारे पास ना आए, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट फिर हो नहीं सकता, वो ठीक नहीं हो सकते, और वो बाद में फिर मुझे भी बदनाम करेंगे और उनका इवेंट भी ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा कोई किसी तरह की बुरी आदतें हैं वो आप अपने घर पर ही रहें, वो ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारी कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसी बातें जिनको खास तौर से आपको परहेज करना है। इसके अलावा अब देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। अब आप कहेंगे इतनी सारी चीज़ें आपने मना कर दी तो बचा क्या खाने के लिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको खानी है। अब उन पॉइंट्स पे आते हैं। चीज़ों को हम लोग खा सकते हैं जो मैंने अभी मना करी हैं चीज़ें, उनके अलावा नेक्स्ट जो हम चीज़ें खा सकते हैं अब उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इनके अलावा जितनी चीज़ें बची हैं वो सब खा सकते हैं, मगर खास पॉइंट जो चीज़ें ज़्यादा खानी है वो ये है कि एप्पल साइडर विनेगर जो होता है आप उसको जितना हो सके यूज़ करें, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें एक तो आपका कैल्शियम बहुत अच्छा अधिक मात्रा में होता है, पोटेशियम बहुत होता है, और इसमें फॉस्फोरस बहुत होता है। ठीक है, तो एप्पल साइडर विनेगर का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अखरोट भी बहुत अच्छा है, कैल्शियम रिच है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, मगर इसको खाने का तरीका थोड़ा ध्यान रखिए। इसमें आप जो अखरोट के जो फाँक होती है, एक अखरोट में जैसे चार दो निकलते हैं, वैसे आप चार ले लीजिए, मतलब दो अखरोट ले लीजिए, उसको पानी में भिगो के रख दीजिए, रात भर भिगोइए, और सुबह जो है आप उसको ले लीजिए। उसको भिगोने से क्या होता है कि उसके अंदर के अल्कलॉइड जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होकर वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा चेरी भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, चेरी भी आप खा सकते हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट आपका जैसे गेहूं, बाजरा और मक्का, इन सब चीज़ों की रोटी आप लोग बड़े आराम से खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, और आप लोग जामुन, अभी ये जामुन का सीज़न आने वाला है गर्मियों में, जामुन खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के जोड़ों के दर्द में बड़ा अच्छा रहेगा, बड़े अच्छे उसके रिजल्ट रहेंगे। अनार का जूस, अंगूर का जूस, ये सब ले सकते हैं, मगर फ्रिज में रखा हुआ नहीं लेना है आपको। ठीक है, कोशिश कीजिए कि जब ताज़ा आए आपने उसको धो के साफ करके अपना बना के अपना उसको लीजिए। अच्छा, मछली आप लोग खा सकते हैं, फिश जितना आप खाएंगे आपके लिए बहुत अच्छा है। एक तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, प्लस उसमें प्यूरिन थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है। इसके कंपैरिजन में जो रेड मीट होता है उसको नहीं लेना है। इवन चिकन भी वाइट मीट में आता है, बट उसको नहीं लेना है क्योंकि उसमें प्यूरिन होता है। मशरूम में भी प्यूरिन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि जोड़ों के दर्द में काफ़ी नुकसान कर सकता है। तो आपको जो है फिश जितना हो तो उतना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। मूंग की दाल ले सकते हैं, बाजरा आपको मैंने बताया था ले सकते हैं, इसके अलावा आप लोग हींग ले सकते हैं, और अजवाइन ले सकते हैं, मेथी दाना ले सकते हैं। अदरक का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना अच्छा है, आपको पता ही होगा अदरक खाने से क्या होता है कि किसी भी तरह की कोई सूजन हो जॉइंट्स में वो चली जाती है। हल्दी ले सकते हैं, हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है, हल्दी इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और इसके अलावा आप लोग सहजन की फली, इस समय ये मौसम जो चल रहा है इसमें सहजन की फली बहुत मिलती है, सहजन की फली को इंग्लिश में ड्रमस्टिक भी बोलते हैं, उसका फूल भी यूज़ कर सकते हैं, फूल का साग बना के खाना है और ड्रमस्टिक की फली को खाना है, ये जॉइंट पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही कारगर है।
एलोवेरा ले सकते हैं। एलोवेरा बहुत ही अच्छा है ज्वाइंट पेन के लिए। उसको लेने के लिए किसी के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं, किसी किसी जगह तो खैर एलोवेरा के लोग सब्जी बना के खाते हैं, आपके अगर मगर नहीं सब्जी बनती तो आप ये कर सकते हैं, एलोवेरा लीजिए, उसका गूदा निकाल लीजिए, गूदा निकाल के उसमें जो है आप उसको जो है ग्राइंडर में पीस लीजिए। पीसने के बाद आप जो है उसमें क्या कहते हैं आटे के साथ मिक्स करके इसकी रोटी बना सकते हैं। उसमें आपका इसका कड़वापन भी नहीं महसूस होगा, और जो आटा मारते हैं उसमें मतलब पानी की जगह आप उसका गूदा ही डालिए उसमें, और उसके बाद उसकी रोटी बनाइए, उसका कड़वापन भी नहीं महसूस होगा और उसके सारे गुण भी आपको मिल जाएंगे। तो अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, गर्म पानी जितना पियेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, और गर्म और नमक के पानी के साथ, या नमक की आपको जो पानी से सिकाई कर सकते हैं, या नमक की ढेली को आप एक सूती कपड़े में ले करके उसकी सिकाई कर सकते हैं। नमक और अजवाइन का भी आप पोटली बना सकते हैं। मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बनाया नमक और अजवाइन की, या कई पेशेंट्स को बताया है मैंने कि नमक और अजवाइन की पोटली बना लीजिए, उससे सिकाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये थी दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लेनी है, और इसके अलावा मैंने इसको पहले आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है। अब बात करते हैं कि कैल्शियम रिच प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। जनरली सभी लोग कहते हैं कि भाई मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कैल्शियम रिच होते हैं, मगर इसके अलावा कुछ ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं, या कुछ ऐसे वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स जिसे आप कह सकते हो वो भी हैं, जिनको आप ज़्यादा यूज़ करके अपने डाइट में कैल्शियम को बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां या कैसे ऐसे वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं जिन पे कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा आप जो खा सकते हैं, आप पालक खा सकते हैं, पत्ता गोभी खा सकते हैं, आप ब्रोकली खा सकते हैं, आप चुकंदर के पत्ते का साग ले सकते हैं, आप मूली के पत्ते का साग ले सकते हैं, इन सब में कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। पालक एक्चुअली थोड़ा सा दिक्कत उसमें ये होती है कि उसमें ऑक्सलेट होते हैं, और वो ऑक्सलेट क्या होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत करते हैं, प्लस थोड़ी सी उसकी तासीर भी ठंडी होती है, इसलिए पालक को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, बाकी सब चीज़ें खा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये रही साग की बात। बादाम बहुत अच्छा है आपके जॉइंट पेन के लिए। बादाम का आप लोग मक्खन बना के भी खा सकते हैं, और नहीं मक्खन आपको मिलता भी है ऑलरेडी बना बनाया, नहीं मक्खन मिलता है तो आप बादाम जितना कोशिश करें आप उसको पानी में भिगो करके जितना यूज़ कर सकते हो उतना यूज़ कीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अंजीर को भी पानी में भिगो करके उसका सेवन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अंजीर में कैल्शियम भी बहुत है और आयरन भी बहुत है, तो अंजीर को खूब यूज़ कीजिए, जितना हो सकता है यूज़ कीजिए। सफ़ेद तिल का तो जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। सफ़ेद तिल का आप ये मान के चलिए कि उसका एक चम्मच सफ़ेद तिल आपके एक गिलास दूध के बराबर कैल्शियम उसमें होता है, तो सफ़ेद तिल का दिन में सुबह शाम एक एक चम्मच लेने में कोई नुकसान नहीं है, आप उसको आराम से खा सकते हैं। संतरा भी बहुत अच्छा है, तो उसको फ्रिज में नहीं रख के खाना है, उसको ऐसे ही खाना है, और उसमें बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम रहता है और आपके विटामिन सी भी रहता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। खजूर खा सकते हैं आप लोग, खजूर तो बहुत ही अच्छा है, इसमें काफ़ी सारे विटामिन्स होते हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, इसमें कैल्शियम भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक सीताफल जिसे आता है, सीताफल भी आप लोग खूब यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी कैल्शियम होता है। आंवले का बहुत यूज़ कर सकते हैं, आंवले का तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है, आंवला को तो आप लोग निश्चिंत होकर खाइए, एक तो इसमें विटामिन सी है, अगर नींबू नहीं खा पा रहे हैं तो आंवला उसकी विटामिन सी की कमी को पूरा करेगा, प्लस उसकी तासीर भी बहुत अच्छी है और कैल्शियम रिच तो है ही, तो आप आंवले को बड़े आराम से ले सकते हैं। एप्रिकॉट आपने देखा होगा, एप्रिकॉट का सेवन करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मुनक्का को भी आप लोग पानी में भिगो करके जितना सेवन करना चाहें कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। शहतूत का आप लोग सेवन कर सकते हैं, शहतूत तो इस समय काफ़ी मिल रहा है, ये सीजन में शहतूत ही आता है, और किसी भी तरह के और भी जैसे स्ट्रॉबेरी है, जितने भी बेरी वाले प्रोडक्ट्स हैं बेरी फैमिली के, शहतूत भी एक बेरी फैमिली में ही आता है, स्ट्रॉबेरी भी बेरी फैमिली में आता है, इनको आप लोग यूज़ कीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अजवाइन आपको पहले भी मैंने बताया था, आयुर्वेद के हिसाब से वातनाशक भी है, प्लस इसमें कैल्शियम भी है। तो ये हैं सारे दोस्तों जो मैंने आपको बताया है, जो खासतौर से लास्ट में कि ये कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी है, फिर मैंने आपको बताया कौन कौन सी चीज़ें खानी है, और फिर मैंने आपको लास्ट में बताया कि किन किन हर्बल प्रोडक्ट्स में कैल्शियम ज़्यादा है, क्योंकि जो नॉन वेज वाले जो कैल्शियम है वो थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, जॉइंट पेन बढ़ाते हैं क्योंकि उसमें प्यूरिन होता है, तो आपको हर्बल कैल्शियम प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करना है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया आई थिंक, और आप लोगों को काफ़ी समय देना पड़ा, मगर फिर भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, खासतौर से हमारे एवियन के पेशेंट्स के लिए। तो
जिस किसी को भी एवियन की प्रॉब्लम है या जॉइंट पेन है कि कोई समस्या है, वो लोग हमारे सेंटर में आ सकते हैं अपनी न्यूरोथेरेपी करवा करके। पहले तो जॉइंट पेन को रिलैक्स कीजिए और उसके बाद इन खान पान के परहेज को और आपके चलने फिरने के परहेज को मैंने आपको पहले ही वीडियो बता दिया है, बना चुका हूँ मैं, कि उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको और जो है अपनी लाइफ को आसान बनाना है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सो दैट कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके देन, बाय बाय।